ऑटो लेआउट्स द मोस्ट पावरफुल फीचर ऑफ फिग्मा एडोबी एक्सडी या अदर टूल्स में भी आपको इतनी डिटेल में और इतना इजी वे में आपको नहीं दिया गया ये फंक्शन ऑटो लेआउट का। एडोबी एक्सडी में भी ऑटो लेआउट है लेकिन यहां फिग्मा का जो है ऑटो लेआउट है वो बिल्कुल एक मैजिक है, और वो मैजिक आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों ये पूरा ऑटो लेआउट का एक्सरसाइज फाइल मैंने बनाई हुई है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगी, मिल जाएगी वहां पे आपको ये डाउनलोड करने के लिए। तो ये बहुत ही पावरफुल वे से मैंने बनाई है ये फाइल, जिसके थ्रू आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ऑटो लेआउट का तो इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑटो लेआउट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक तरह से फीचर है, और लेकिन है ये बहुत ही पावरफुल, इसके बिना आप अच्छी और क्वालिटी की डिजाइन नहीं बना पाएंगे, ओके इजिली नहीं बना पाएंगे, रेस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं बना पाएंगे। तो ऑटो लेआउट है क्या, क्विकली मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑटो लेआउट का मतलब ये है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये कार्ड, और ये इस तरह से रीसाइज हो रहा है, देखिए अपने आप, आपने कुछ भी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर इसके अंदर कुछ भी टेक्स्ट डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये टेक्स्ट डालता हूँ, उसके अंदर जैसे ही मैं इसमें टेक्स्ट डाल रहा हूँ ये अपने आप रीसाइज हो रहा है, सब कुछ ले रहा है। तो यही ऑटो लेआउट है, आप किस तरह से सेक्शंस को डिजाइन करते हैं ये थोड़ा सा वे चेंज हो जाएगा अब, और आप इस मेथड के थ्रू अगर ऑटो लेआउट को यूज करते हुए डिजाइन बनाते हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा रेस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना। यानी कि अगर आपने वेबसाइट बनाई है और उसे कन्वर्ट करना है मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर, आपने लेआउट में चेंज करना है, मतलब कि मोबाइल का व्यू बनाना है एक्चुअली, तो उस केस में आपको ऑटो लेआउट आना बहुत जरूरी है, ये समझना जरूरी है। ओके तो यहाँ पे मैं एक बड़े ही इजी वे से आपको बताना स्टार्ट कर देता हूँ कि आपने क्या करना है, ऑटो लेआउट किस तरह से काम करता है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए ये मैंने इनको एक साथ सेलेक्ट किया। अब ऑटो लेआउट कैसे अप्लाई किया जाता है, तीन मेथड है। देखिए या तो मैं शिफ्ट ए प्रेस कर दूं, या राइट क्लिक करके ऐड ऑटो लेआउट क्लिक कर दूं, या फिर यहां पे साइड में जाके अगर आप देखें ये देखिए ऑटो लेआउट के सामने प्लस का सिंबल आता है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इनमें से कुछ भी किया इसमें ऑटो लेआउट आ गया। अभी आप देखेंगे कि ये अलग अलग नहीं पड़े, ये एक तरह से ग्रुप बन गया, इसे हम लोग कहते हैं ऑटो लेआउट फ्रेम। ओके तो ये ऑटो लेआउट बन चुका है, ये फ्रेम है। तो अब हम आगे क्या करने वाला, देखिए इसे मैं कुछ जूम करके आपको दिखाऊंगा। तो जूम जब भी मैं स्क्रीन को इस तरह से करता हूँ थोड़ा सा ब्लर हो सकती है स्क्रीन। ओके एंड अभी देखिए क्या होने वाला है, आप यहाँ देख रहे हैं एरो, टॉप टू बॉटम एरो है, तो ये हमारा कंटेंट भी इस ऑटो लेआउट के अंदर टॉप टू बॉटम है। अगर मैं इस पे एरो पे क्लिक कर देता हूँ तो ये लेफ्ट टू राइट आ गया। ओके तो ये इस तरह से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में हमारे कंटेंट को सेट करता है। तो भी आप एज्यूम कीजिए कि ये आपकी फाइव सर्विसेज हैं, जैसा कि आप वेबसाइट में बनाते हैं, जैसे इमेज होती है, फिर सर्विस का नेम, डिस्क्रिप्शन, रीड मोर। तो उस तरह से मान लीजिए आपने ये फाइव सेक्शंस बनाए हुए थे, और अब आपने इस तरह से बनाया लेकिन अब रेस्पॉन्सिव व्यू बना रहे हैं, उसका मोबाइल व्यू बना रहे हैं। तो जस्ट आपने एरो पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका जो भी कंटेंट था वो इस तरह से सेट हो जाएगा अपने मोबाइल के लिए। ओके तो ये काफी अच्छा मेथड रहा। ओके अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, यहाँ आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये होता है स्पेस बिटवीन द आइटम्स, जो भी आपने आइटम रखे हुए उस ऑटो लेआउट के अंदर उनके बीच का इक्वल कंसिस्टेंसी के अंदर गैप सेट करने के लिए ये मेथड है, ये ऑप्शन है। उसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे पैडिंग अराउंड आइटम्स, अगर मैं यहाँ पे 16 प्रेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो चारों तरफ उस फ्रेम के पैडिंग आ जाती है 16 पिक्सल की। अगर मुझे कस्टम देना है इसमें, देखिए तो इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैंने विड्थ में थोड़ी ज्यादा पैडिंग देनी थी 32 दे देता हूं मैं यहाँ पे, तो ये देखिए सिर्फ विड्थ में पैडिंग थोड़ी ज्यादा आ गई है और इस साइड कम है। ओके तो इस तरह से हम लोग कस्टम पैडिंग दे सकते हैं चारों तरफ किधर भी। अब हम लोग देखिए एक चीज आपको दिखाता हूं, जैसे मैंने इसको इस तरह से एक्सपेंड किया और अब ये आपको क्लियरली समझ में आएगा। देखिए ये चीजें क्या है, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपके कंटेंट को प्लेसमेंट है, ये देखिए इस तरह से प्लेसमेंट। अब इसको मैं थोड़ा सा ये दे देता हूँ ताकि चारों तरफ गैप हो तो आपको इजीली समझ में आए। तो ये देखिए अभी मैं इसको टॉप में लेके जाता हूँ, टॉप में जा रहा है, तो ये जो भी हमने फ्रेम बनाया होता है उसमें ये किस तरफ अलाइनमेंट लेगा वो हम डिसाइड करते हैं। ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेंटर में है, तो इसी तरह से ये चीजें काम करती है अभी आप देख रहे हैं। तो अभी आपने इसको बेसिक वाली चीज देख लिया यहाँ पे, तो अब क्या हम इसी के अंदर और फीचर आ जाते हैं, इसके अंदर क्या आ जाते हैं वो देखिए। अगर क्लाइंट कहता है कि ये वाली सर्विस को मैंने यहाँ लाना है सेकंड नंबर पे, तो आप जस्ट ड्रैग करेंगे और सारी स्पेसिंग वगैरह अपने आप सेट है पहले से ही। अगर किसी एक को कम ज्यादा करते हैं तो इस तरह से अपने आप साइज एडजस्ट होता है।
यहां वहां ले जा सकते हैं। अगर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को बीच में से डिलीट करना पड़ा तो इस तरह से डिलीट भी कर सकते हैं, तो साइज अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग कंट्रोल डी करके इसी की कॉपी करते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमारा अपने आप साइजिंग सेट होती रहती है। और इसके अलावा एक और भी है, अगर हमने कुछ इस तरह की एक और कोई शेप या सर्विस कुछ बना रखी थी, उसको अगर हम ड्रैग करके इसमें ड्रॉप करते हैं तो ये अपने आप सेट हो जाता है, अपनी साइजिंग भी ले लेता है। ओके, तो इन्हीं चीज़ों को हम अलग तरीके से यानी एक्चुअल एग्जाम्पल्स में आगे यूज करने वाले हैं। सबसे पहले सबसे इजी चीज जो है वो है एक बटन बनाना ऑटो लेआउट के थ्रू। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ इसमें एक शेप है, ये बटन है, इस पे जब हम लोग क्लिक करके कुछ और लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये अपने आप बटन का साइज चेंज हो रहा है। ओके, तो ऐसा ही कुछ हमने अब यहाँ बटन बनाना है इस तरह का। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमने टेक्स्ट ले लिया, ये कोई भी लेआउट ऑटो लेआउट में नहीं है, कोई फ्रेम नहीं है, ग्रुप नहीं है। ओके, ये सिर्फ टेक्स्ट की एक लेयर है। अभी मैं इस पे क्या करने वाला हूँ, इसमें शिफ्ट ए करूंगा ऑटो लेआउट, या राइट क्लिक करके यहाँ से जो ऐड ऑटो लेआउट का ऑप्शन आता है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट कर दिया है तो यहाँ रिमूव ऑटो लेआउट आ रहा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ एक फ्रेम आ गया है बटन के। साइड में क्लिक करते हैं कुछ भी नहीं है, यहाँ करते हैं तो है, यानी कि यहाँ पे फिल नहीं किया हुआ। फिल में जाता हूँ मैं और यहाँ से एक कलर चूज कर लेता हूँ फिल करने के लिए। ये हमारा फिल हो गया, जैसे कि ये या जो भी कलर हमने लेना है, ये हमारा अभी बटन दिखने लगा है। और जो टेक्स्ट है उसको मैं यहाँ से वाइट कलर कर देता हूँ, तो ये हमारा एक तरह से बटन बन गया। अब इसकी राउंडनेस हम लोग सेट कर देते हैं इस तरह से, ये बटन की राउंडनेस भी आ गई है। अब हम लोग इसके अंदर की मार्जिन वगैरह को देखेंगे, 10-10 का चारों तरफ गैप है, ये भी हो रहा है। ओके, ये देखिए, और स्पेस बिटवीन एलिमेंट्स, इसमें एक ही एलिमेंट है तो स्पेस बिटवीन का नहीं हो सकता। और पैडिंग चारों तरफ 10 की है, अगर हमने दोनों तरफ थोड़ी ज़्यादा देनी है तो यहाँ पे हम लोग जैसे कि 16 और 16 दे देते हैं, ये देखिए। तो आपने कभी भी इसको इस तरह से खींच के ऐसे नहीं करना है, आपने इसी तरह से इसकी सेटिंग को सेट कर दिया अगर एक बार, तो अब अगर आप इसमें कुछ भी फिल करते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये बटन अपने आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है। अगर आप एंटर भी कर देते हैं तो भी देखिए बटन उस तरह से बिहेव कर रहा है। तो ये क्या चीज़ है, देखिए क्यों हो रहा है ऐसा, ये जो पूरा मैंने बटन सेलेक्ट किया हुआ, मतलब बटन जो सेलेक्ट किया हुआ है, ये एक्चुअल में फ्रेम है, ऑटो लेआउट फ्रेम है। और इसकी अगर प्रॉपर्टीज में हम लोग जाके देखें, यहाँ पे हग कंटेंट विड्थ वाइज, तो ये विड्थ वाइज हग कंटेंट है, ये हाइट वाइज हग कंटेंट है। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ हग कंटेंट है विड्थ वाइज और हाइट वाइज भी हग कंटेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर, इस फ्रेम के अंदर जो कुछ भी हमारा होगा वो इसे हग करके रखेगा, एक तरह से जकड़ के रखेगा या झप्पी पा के रखेगा। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग इसे कम करते हैं, इसे मान लीजिए सिर्फ ओके लिखता हूं मैं, तो ये क्या हुआ, बटन और भी कम हो गया, राइट। तो यहां क्या हो रहा है, अभी बटन जो है अंदर के कंटेंट को हग करके रख रहा है, जिससे कि अगर वो कम ज्यादा हो रहा है तो ये भी कम ज्यादा हो रहा है, और हाइट वाइज भी हमने हग किया हुआ। तो इससे बटन से, इस वाली एक्सरसाइज से आपको ये पता लग गया कि किस तरह से शेप पीछे की अलग से हमने यहाँ से रेक्टेंगल लेके वो बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग किस तरह से इस तरह की चीज़ों की शेप बना सकते हैं, प्रॉपरली कलर दे सकते हैं, राउंडनेस दे सकते हैं, और हग कंटेंट क्या है वो भी हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, ये क्या है, आइकन बटन में। तो आइकन बटन के अंदर अगर हम लोग यहाँ देखें तो ये हमारा बटन है जो हमने प्रीवियसली बना लिया था सेम, और सेम वही चीज़ें देखिए हग कंटेंट वगैरह किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे जो चीज़ बताने वाला हूँ वो है आइकन रखने का। तो यहाँ पे जो जो ग्रे बॉक्स दिया है वो मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि ये व्हाइट कलर का आइकन दिखाई दे, अदरवाइज आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो आपका ये आइकन कहीं से भी ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं, स्टाइल गाइड से, सेम यहीं से, इसी आर्टबोर्ड से, यहीं इसी फ्रेम से, कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे इसको इसके ऊपर लेके जाते हैं, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ पहले ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए, दिखे जूम में, ये देखिए। तो अभी मैं आइकन अगर कहीं पे भी आपका पड़ा इसको लेके जाते हैं तो ये इस तरह से इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ आपका आइकन सेट होगा, अपने आप ये आइकन सेट हो गया, बटन का साइज भी सेट हो गया, राइट। और इसका एक और बेनिफिट भी है, अगर मैं ये टेक्स्ट उठा के इधर लेके जाता हूँ, ये देखिए इस तरह से ये चीजें मूव भी होती है बड़े ही आराम से। तो अभी आपने बटन का देख लिया है, आइकन बटन को भी बना के देख लिया ऑटो रेस्पॉन्सिव के तरीके से और ऑटो लेआउट के वजह से। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा एक्चुअल चीज़ों में जाने वाले हैं। अभी हम लोग जैसे कि इस तरह के कार्ड्स देखते हैं आप लोग, तो इसे किस तरह से बनाया, देखिए ये रेस्पॉन्सिव हो रहा है, ये देखिए इस तरह से,
टेक्स्ट अगर इस तरह से चल रहा है तो बटन भी उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, और अगर टेक्स्ट इसके अंदर ज़्यादा है हमारा तो बटन नीचे जा रहा है, पूरा बॉक्स भी एक्सपेंड हो रहा है, प्रॉपरली सब चीज़ें हो रही हैं जैसी हमें चाहिए होती हैं एक ऑटो लेआउट में एक रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए। तो रिसाइजिंग बड़े ही ईजी हो जा रहा है, कंटेंट फिलिंग भी बड़ा ही ईजिली हो जा रहा है। तो इसमें भी वही चीज़ काम कर रही है, देखिए इमेज को यहाँ लेके आना है, बटन को वहाँ ले जाना है, कुछ भी अपने आप सेट हो रहा है, या फिर यही आप चीज़ें कीबोर्ड के एरो से कर सकते हैं, ये देखिए। ओके तो अब ये चीज़ हम लोग बना के देखेंगे। तो यहाँ प्रैक्टिस फाइल में आपको मिल रही है सारी चीज़ें अलग अलग पड़ी हुई, कोई ऑटो लेआउट नहीं है। तो अब हम लोग इसे ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, सभी को सेलेक्ट करेंगे हम लोग और शिफ्ट ए प्रेस करेंगे या राइट क्लिक करके ऐड ऑटो लेआउट क्लिक करेंगे। अब हमारे पास कुछ इस तरह से कुछ सेट होगी ये चीज़ें, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रॉपर चारों तरफ इक्वल गैप है। तो ये गैप हमने सेट करना है, तो ये फ्रेम का ही गैप सेट होने वाला है, यानी कि पैडिंग लगने वाली है। तो हम लोग इसे किस तरह से सेट करते हैं, ये मैं अभी जूम कर लेता हूँ, जूम में थोड़ा ब्लर हो जाता है। और ये मिक्स्ड है हमारी पैडिंग, तो इसके मैं दे देता हूँ 16 की चारों तरफ पैडिंग रखनी है। तो ये 16 की चारों तरफ पैडिंग हो चुकी है, अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ज़्यादा गैप है, तो ये क्या चीज़ है, ये अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो इमेज है अंदर, उसे हमने क्या बताना है कि आपका बाहर का जो कंटेनर है, अगर वो बड़ा होता है तो आपने भी बड़ा होना है, अगर छोटा हो रहा है तो आपने भी छोटा होना है। ओके तो ऐसा बताने के लिए हम लोग इमेज को, अगर हम लोग यहाँ जाके इसको देखते हैं इमेज को, तो आप देखोगे कि यहाँ क्या किया हुआ है मैंने, फिल कंटेनर किया हुआ है विड्थ वाइज, हाइट वाइज फिक्स है। ओके तो यहाँ पे मैंने इसे दे दिया कि फिल कंटेनर हो जाए, यानी कि बाहर जो कंटेनर है, यानी जिस भी कंटेनर के अंदर ये वाली इमेज है, उस कंटेनर के विड्थ और साइज के अकॉर्डिंग, मतलब विड्थ के अकॉर्डिंग ये अपने आप रिसाइज होता जाए। तो यहाँ पे भी हम लोग इसे सेलेक्ट करेंगे और फिक्स विड्थ जो हो रखा है इसे फिल कंटेनर कर देंगे, तो ये अपने आप देखो फिल हो गया। अब हम लोग इसे इसी तरह से करेंगे तो अपने आप हो रहा है, लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट नहीं हो रहा है। तो अब टेक्स्ट को क्या करेंगे, इसे भी सेलेक्ट करेंगे, इसे भी कहेंगे कि भाई तूने भी फिल होना है कंटेनर में। तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये क्या हो गया, तो ये बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप इसको इस तरह से अपने आप जो भी साइज लेना था वो सेट कर लेंगे, तो अभी आपका ये सही हो चुका है। ओके अब प्रॉब्लम आती है कि बटन को इस साइड करना है, तो ऐसा नहीं होता ऑटो लेआउट में भी, कोई भी चीज़ को आप उठा के इधर उधर कर देंगे तो ऐसा नहीं हो पाता है। अगर ये ऑटो लेआउट टॉप टू बॉटम वाला हमारा हो रखा है, ये देखिए टॉप टू बॉटम है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो इस डायरेक्शन में अगर आप लेके जाते हैं तो ये प्लेसमेंट चेंज होती है इनकी। जस्ट अगर आप चाहते हैं कि मैंने इसको इधर करना है तो क्लिक करके आप ड्रैग नहीं कर पाएंगे, आप एरो की को क्लिक करके भी नहीं कर पाएंगे जैसा कि मोस्टली हम लोग करते हैं। तो वो अब आपको लग रहा होगा कि ये तो हार्ड चीज़ है, ऐसा क्यों, इसको रख भी तो सकते थे, लेकिन ऑटो रेस्पॉन्सिव के अंदर, ऑटो लेआउट के अंदर हम लोग इस तरह से नहीं कर सकते हैं। ये बेनिफिट की ही चीज़ है, ये इसीलिए है कि गलती से भी आपसे ये बटन की अलाइनमेंट चेंज ना हो जाए, आपने अलाइनमेंट के बारे में देखना ही ना पड़े, रूलर्स ना लगाना पड़े, कुछ भी नहीं, आपके ऑटो लेआउट अपने आप अलाइनमेंट स्पेडिंग स्पेसिंग सब कुछ सेट करता जाएगा। तो आपने नहीं छेड़ना उसको किसी भी तरीके से, तो छेड़ ही ना सको इसलिए इन्होंने ये ऑप्शन ही नहीं दिया है। ओके तो अब मैंने क्या करना है, ये टॉप जो मेन हमारा फ्रेम था उसे सेलेक्ट किया और यहाँ गया मैं और इसे बता दिया कि भाई तूने राइट साइड में अलाइनमेंट होना है। तो सिर्फ बटन पे अप्लाई नहीं हुआ है ये सब चीज़ों पे अप्लाई हो गया, ये इमेज पे भी, ये टेक्स्ट पे भी, सब पे हो गया है। लेकिन हमने इसे फिल कंटेनर किया हुआ था, तो इसे पता है कि मैंने फिल होना है पूरे में, तो जो पूरा फिल ही है पूरे में, लेफ्ट टू राइट टाइटली पूरा फिल हो चुका है, तो ये फिर लेफ्ट क्या होना और इसका क्या राइट होना है। ओके तो बटन जो है वो छोटा है, तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, अगर मैं इसे इस तरह से छोटा करता हूँ, ये देखिए अपने आप राइट में जा रहा है ना। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों पर प्रॉपर्टी हमारी राइट साइड की हो चुकी है, लेकिन ये फिल कंटेनर है इसलिए हमें वो राइट में नहीं दिख रहा, और ऑफ कोर्स दिखाना भी नहीं है हमने। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ इस तरह से, तो ये देखिए बटन विड्थ सॉरी टेक्स्ट जो है वो प्रॉपरली सेट हो रहा है, रीसाइज हो रहा है, लेकिन बटन जो है वो नीचे नहीं जा रहा है। तो अब इसके लिए आ जाते हैं हम लोग। तो अभी देखिए ये जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया और यहाँ अगर देखें, जूम करके मैं अगेन आपको दिखाता हूँ, फिक्स हाइट लिखा हुआ है, तो ये फिक्स हाइट की जगह आपने इसमें क्या करना है, हग कंटेंट। तो इसे मैंने बता दिया हग कंटेंट करके, कि आसपास जो भी कंटेनर्स है उसके साथ हग करके रखना है आपने। ओके अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी टेक्स्ट और डालता हूँ, देखिए
तो ये अपने आप प्रॉपरली सेट हो रहा है, क्योंकि इसने कंटेंट को जो आसपास कंटेंट है, जो बटन है और ये जो कंटेनर है उसे हग करके रखा हुआ है। ओके, अब अगर मैं इसे रिसाइज करता हूँ तो भी ये टेक्स्ट अपने आप नीचे जाएगा, बटन उसके अकॉर्डिंग नीचे जा रहा है, सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है। तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें अभी इस एक्सरसाइज में सीख ली है, आपने भी प्रैक्टिस करना है इसके अंदर। और फिर नेक्स्ट में चलते हैं, इंटरमीडिएट कार्ड है और यहाँ पे आप ये आप देख रहे हैं इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है। इसके चारों तरफ हमने इजिली 16 की जो पैडिंग है वो यहाँ से दे दी थी, ये देखिए यहाँ से पैडिंग दे दी थी हमने, लेकिन यहाँ पे देखिए चारों तरफ नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर की जो इमेज है उसमें हमने पैडिंग नहीं चाहिए और सिर्फ नीचे नीचे पैडिंग चाहिए। तो अब ये चीज़ कैसे बनाएंगे, देखिए सबसे पहले काम जो हमारा था, इसको सारे को सेलेक्ट करेंगे और इसे शिफ्ट ए के साथ या राइट क्लिक करके ऑटो लेआउट ऐड कर सकते हैं। और अब हमारा कुछ इस तरह से ऑटो लेआउट में ये कन्वर्ट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस इमेज को बताएंगे कि तूने फिल कंटेनर हो जाना है। ओके, ये हो गया, लेकिन अभी भी चारों तरफ गैप है, तो इस मेन फ्रेम को कहेंगे कि तूने चारों तरफ कोई गैप नहीं रखना, जीरो कर दो। तो इसने जीरो कर दिया। अभी हमारा ऊपर का जो पार्ट था इमेज का वो तो सेट हो चुका है प्रॉपरली इस तरह से, और ये हमारा फिल मतलब चारों तरफ प्रॉपरली फिल हो चुका है, कोई पैडिंग नहीं बची है। लेकिन अभी नीचे वाला जो कंटेंट है वो भी इसी के अकॉर्डिंग ही कंटेंट, जो इसका जो टेक्स्ट है वो उसमें भी पैडिंग आ चुकी है। तो अब इस पैडिंग का क्या करने वाले हैं हम लोग, अब देखिए अब हम लोग इसे अलग से किस तरह से कह सकते हैं, हम लोग टेक्स्ट को डायरेक्ट नहीं कह सकते। अगर उसे ऑटो लेआउट फ्रेम बना लेते हैं तो वो फ्रेम को हम लोग कह सकते हैं कि तूने पैडिंग डालनी है इसमें। ओके, तो इन दोनों को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस किया तो ये भी ऑटो लेआउट बन गया है, फ्रेम आ गया है, यहाँ ऑटो लेआउट के ऑप्शन भी हमें दिखाई देने लगे हैं। अब हम लोग इसे बताते हैं कि तूने हाइट में और हाइट में ऊपर नीचे, देखिए इस फ्रेम के ऊपर और नीचे तो आपने 0 0 का रखना है, लेकिन साइड में आपने 16 का गैप रखना है। ये देखिए पैडिंग आपने 16 देनी है, राइट में भी 16 देनी है, तो दोनों तरफ पैडिंग 16 दे दी। तो आपको ये याद कैसे रहेगा कि सर ने वीडियो में क्या बताया, तो यहाँ आप देखेंगे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ इसको फ्रेम बनाया हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ्रेम बनाना है मुझे। फिर इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज देखेंगे आप, यहाँ पे मिक्स्ड है और इसके अंदर जाएंगे तो आपको पता लगेगा 16 16 ऊपर नीचे 0 0 है, तो आप भी ऐसा ही करेंगे। तो मैंने ऊपर नीचे जो 0 0 दिया है वो अभी आपको बताने वाला हूँ कि ऐसा क्यों किया है। यहाँ पे हमने ये 0 0 ही रखना है, यहाँ पे कुछ भी हमने साइज नहीं देना है पैडिंग का। ओके, अब हम लोग चलते हैं बटन की तरफ। अब आप यहाँ बटन में देखेंगे कि क्या किया हुआ है, इस बटन को ऑटो लेआउट में किया हुआ है। अंदर अगर बटन में जाते हैं तो ये भी ऑटो लेआउट है अपने आप में, लेकिन जो बटन है उसको फिर से हम ऑटो लेआउट में करेंगे और उसे बताएंगे कि दोनों तरफ गैप आपने कितना रखना है 16 का। अब यहाँ चेक कर लेंगे 16 16, तो इसी तरह से इस बटन में जाएंगे हम लोग, इसे शिफ्ट ए से हमने ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया। अभी आप देख रहे हैं कुछ पैडिंग्स आ चुकी हैं। अब हम लोग यहाँ जाएंगे और ऊपर नीचे की पैडिंग 0 0 रखेंगे और दोनों साइड में हम लोग 16 16 की पैडिंग रखने वाले हैं। ओके, तो अब हमारा ये काम भी हो गया, तो अब देख रहे हैं पैडिंग प्रॉपरली आ रही है। तो ये ऊपर नीचे 0 0 जो मैंने बोला था वो इसी मकसद से बोला था, क्योंकि हमने ये वाला जो गैप है स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स वो सेम रखना होता है, तो हम अलग अलग जगहों पे अलग अलग अगर ऊपर नीचे गैप दे देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, और हमने सेम भी देना है तो क्यों दें बार बार एक ही जगह से होगा। तो ये जो मेन फ्रेम है हमारा, इसमें अगर आप देख रहे हैं स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स, अगर मैं इसको कम ज़्यादा करता हूँ तो ये देखिए कम ज़्यादा हो रहा है। तो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स हमारा कहाँ है, ये वाला गैप है और ये वाला गैप है, ये दो गैप्स जो हमारे हैं वो स्पेस बिटवीन द एलिमेंट के हैं। ओके, तो इस तरह से किया। अब ये वाला अगर गैप कम करना है तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और यहाँ से ये गैप कम कर लेंगे, तो ये गैप ऑफकोर्स कम होना चाहिए, मैंने 8 का कर लिया है। ओके, तो ये भी अब हमारा सेट हो चुका है। अब हम बटन को फिर से देखेंगे कि नीचे गैप है तो ये किस तरह से गैप यहाँ पे लिया गया है, तो ये कैसे गैप आया। अगर आप देखें कि यहाँ पे तो ऊपर नीचे 0 0 ही है, तो नीचे का गैप किस तरह से आ गया यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको फिल कर लेते हैं कंटेनर को। ओके, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इसमें फिल कंटेनर पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये पूरा फिल हो गया है और अंदर जो बटन है उसे भी मैं यहाँ से हग की जगह फिल कंटेनर कर देता हूँ, तो ये मेरा बटन इस तरह से सेट हो गया है। तो अब हमने इसे फिल कर दिया, लेकिन नीचे हमने गैप चाहिए, तो नीचे गैप अब कैसे आ सकता है। हम लोग इस पूरे कंटेनर को सेलेक्ट करके देखते हैं, ऊपर चेक करते हैं ऊपर वाले पे, और यहाँ कंटेनर में चेक करके देखते हैं कि क्या हुआ है। अभी आप यहाँ जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे 16 का गैप मिल रहा है, देखिए नीचे गैप मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे नीचे अगर हम लोग गैप देते हैं अपने बटन में जाके, अपने ऑटो लेआउट में जाके 16 का गैप,
एंटर करता हूं तो ये देखिए गैप आ चुका है, तो सिर्फ नीचे गैप दिया है, साइड में अगर आप गैप दे देते हैं तो देखिए क्या होता है, ये देखिए ऐसा हमने नहीं करना है, तो सिर्फ नीचे गैप देना और कहीं नहीं देना, तो इससे हमारा ये बटन सेट हो गया। अब अगर हम लोग इसे रिसाइज करके देखते हैं तो इस तरह से रिसाइज हो रहा है, लेकिन जो चीज़ नहीं हो रही है वो है ये टेक्स्ट, और टेक्स्ट वाले कंटेनर को सेलेक्ट किया, इसे मैंने बोल दिया कि भाई तूने फिल कंटेनर हो जाना है, तो अंदर का जो टेक्स्ट है उसे भी बोल दिया कि भाई तूने फिल कंटेनर हो जाना है, तो इस तरह से हमने इसे सेट कर दिया। अब हम इसे करके देखेंगे होता है या नहीं होता, ये देखिए प्रॉपरली हो रहा है, ओके। अब बटन जो है नीचे वाला नहीं जा रहा है, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने देखा था कि हमने इसको किस तरह से सेट करेंगे, तो ये जो टेक्स्ट है ये फिक्स हाइट हो रखी है, इसे हम लोग हग कंटेंट कर देंगे। तो हग कंटेंट करते ही इसने क्या किया, इसने समझ लिया कि जो भी अंदर कंटेंट है उसको हग करके रखना है, उसको झप्पी पा के रखनी है, उसको जकड़ के रखना है। और तो जैसे ही मैं इसके अंदर टेक्स्ट कम ज़्यादा करता हूँ, ये देखिए ये अपने आप सेट होता जाएगा। तो ये परफेक्टली हमारा एक जो इंटरमीडिएट कार्ड है वो सेट हो चुका है। इसी तरह से ऐसे ही कार्ड्स आपके सर्विसेज वगैरह के होते हैं, तो डिज़ाइन अलग हो सकता है, जैसे कि ऊपर की जो सर्विस का आप बनाते हैं इसमें बाय नाउ की जगह हो सकता है रीड मोर हो, या सर्विस लिखी हो आपकी, या फोटो आ जाए सर्विस की, और ऐसे ही कार्ड साइड बाई साइड 5 कार्ड्स हो 10 कार्ड्स हो। तो इसको भी मैं क्विकली आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक कार्ड लिया हुआ है यहाँ पे, और इसी का एक और कार्ड बना लिया मैंने, कॉपी कर लिया यहाँ पे। अब इन दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर दूंगा, फ्रेम्स को मैंने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया और इन्हें शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कार्ड है उसके नंबर्स बढ़ाने हैं, ओके okay? तो आप जस्ट क्या करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी करते हैं इसको। तो अभी क्या हो रहा है, कंट्रोल डी किया मैंने, फिर यहाँ पे गया फिर से, मतलब इसी को भी कंट्रोल डी किया, तो ये पूरा एक ही ऑटो लेआउट फ्रेम है और उसके अंदर ये बढ़ते जा रहे हैं। तो 4 ऐसे कर लिए हमने। फॉर एग्जाम्पल वेब पेज के लिए हमने ऐसा कुछ बनाया, इसके बीच में जो गैप था वो थोड़ा सेट कर दिया इस तरह से। बूटस्ट्रैप ग्रिड के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, इसमें गैप सेट कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इसमें एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपने आप रेस्पॉन्सिव हो रहा है, ये देखिए किस तरह से हो रहा है, अपने आप सेट हो रहा है अपने मोबाइल स्क्रीन के अकॉर्डिंग। मोबाइल के अकॉर्डिंग अगर आप बना रहे हैं इसे, रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं इसे, तो ये बड़ा ही इजीली सेट हो रहा है, आपने कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि इसे रिसाइजिंग करना है, तो आप अब क्योंकि ये अपने आप में अलग अलग ऑटो लेआउट हैं और इसके बाहर हमने फ्रेम बना दिया, तो अंदर वालों को अगर हम लोग बता देते हैं कि आपने फिल कंटेनर होना है, तो देखिए इसको मैं नहीं बताता फिल कंटेनर का, अकेला उसको बताता हूं, तो ये देखिए वो तो सही हो रहा है लेकिन नीचे वाले नहीं हो रहे, राइट। तो अब क्योंकि ये किसी एक और ऑटो लेआउट के अंदर सेट हो गए हैं तो इन्हें भी बताना जरूरी है, तो इसे भी मैं यहाँ से फिल कंटेनर कर देता हूँ, इसे भी विड्थ वाइज फिल कंटेनर, यहाँ पे भी आप एक साथ सेलेक्ट करके भी सबको फिल कंटेनर कर सकते हैं। अब मैं बाहर के मेन ऑटो लेआउट को सेलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए अपने आप इस तरह से सेट हो रहा है सब कुछ। चलिए तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़े से और कॉम्प्लेक्स एडवांस कार्ड में। तो आप यहाँ देख रहे हैं अगर मैं इसको रिसाइज करता हूँ इस तरह से, तो ये देखिए सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है, ये आइकन यहीं पे है राइट साइड में चिपका हुआ है, ये हमारा लेफ्ट साइड में है प्रॉपरली, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी आप देख रहे हैं ऑप्शंस, इनको एक साथ ड्रैग करके आपने नहीं करना है। अगर आप इसको एनालाइज करते हैं मेरे डिज़ाइन को, तो आपको पता लगेगा कि ये वाला ऑटो लेआउट अलग से एक बना हुआ है, और अगर डबल क्लिक करता हूँ तो ये अपने आप में एक और ऑटो लेआउट बना हुआ है, आप यहाँ देखेंगे। ओके, तो ये क्या चीज़ है, ये आपने करना है, सबसे पहले तो आपने यही करना है, इनको सेलेक्ट किया, शिफ्ट ए प्रेस किया, ऑटो लेआउट हो गया। अब हम लोग ये देखिए ये ऊपर नीचे आ रहे हैं थोड़े थोड़े, तो यहाँ जाएंगे और इसे हम लोग कह देंगे कि भाई तूने सेंट्रलाइज होना है, तो ये सेंट्रलाइज हो गया। ओके, और अब ये सेलेक्ट करते हैं और इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, इन सभी को, यानी कि ये एक पूरे ऑटो लेआउट को, और इस आइकन को मैं अगेन ऑटो लेआउट कर देता हूँ, तो शिफ्ट ए मैंने किया, ऑटो लेआउट हो गया। अब इसे भी मैंने इस तरह से जाके यहाँ से सेंटर में करना है, तो ये सेंटर में हो गया, अब परफेक्ट है सब कुछ। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, अब अगर आप इसी की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं तो नीचे अगर टेक्स्ट में जाते हैं तो टेक्स्ट ऑटो लेआउट नहीं है, ये डायरेक्ट ही रखा हुआ है। अगर आप बटन्स में जाते हैं तो ये ऑटो लेआउट है, इसे हम भी ऑटो लेआउट करेंगे। फिर इसमें जाते हैं, मैंने इसमें शिफ्ट ए प्रेस किया, ये इस तरह से ऑटो लेआउट हो गया। अब इसको रखना कहाँ है, देखो अभी भी आप इस तरह से कर सकते हो उसको, क्योंकि ओवरऑल सारे को हमने एक ऑटो लेआउट नहीं बनाया है अभी। ओके, तो अब हम ये भी चीज कर देते हैं, तो अब क्योंकि ये पूरी एक शेप है, ये एक शेप है और ये अपने आप में एक शेप है, तो ये तीनों जो जो हमारी लेयर्स हैं
वो ऑटो लेआउट के अकॉर्डिंग सेट होगी। जैसे कि यहाँ एक्सरसाइज में ये इमेज टाइटल और ये डिस्क्रिप्शन और ये बटन हुए थे ऊपर नीचे, उसी तरह से ये सेट होने वाले हैं। तो मैंने इनको पूरे को इस तरह से सेलेक्ट किया और शिफ्ट ए प्रेस किया, करते ही कुछ हमारी सेट होने लग गया है, हमें दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं, वो क्या है, देखिए हमने बटन को, दोनों बटन्स को इस साइड लेके आना है, वो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है। हमने मेन जो हमारा फ्रेम है ऑटो लेआउट का, उसको सेलेक्ट किया, यहाँ गए और इसे दे दिया हमने, क्या बताया इसे कि भाई तूने राइट साइड में अलाइनमेंट कर देना है। तो जैसे ही मैंने राइट साइड में किया, टेक्स्ट भी मेरा राइट में होगा, ऑफकोर्स होगा। अब इसे तो हमने फिल कंटेनर करना है, तो यहाँ फिक्स विड्थ हो रखी है, इसे फिल कंटेनर कर देंगे तो ये अपने आप पूरे में लेफ्ट टू राइट फिल हो चुका है। तो अब हमारा मोस्टली चीज़ें डन हो चुकी है, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं, वो क्या है, देखिए मैंने इसको इस तरह से किया तो देखिए टाइटल और आइकन कहाँ जा रहा है, टेक्स्ट तो अंदर का रिसाइज हो रहा है लेकिन बटन उसके अकॉर्डिंग नीचे नहीं जा रहा। तो बटन को नीचे ले जाने का वे तो ईजी था, हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ गए हाइट वाइज इसे हग कंटेंट बोल दिया कि हग करके रखना है, चपक के रखना है तूने उसके। तो टेक्स्ट ज़्यादा या कम करेंगे आप लोग, हम लोग यहाँ पे, तो ये देखिए क्या हो रहा है, अपने आप बटन सही है। ओके दैट्स इट। अब जो प्रॉब्लम है ये वाली, ये क्या चीज़ है, तो ये हमारा जो ऑटो लेआउट था, इसे हमने कहना है कि भाई तूने यहाँ पे फिल कंटेनर होना है पहली बात। तो अब क्या होगा, अब देखिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ तो ये यही फिक्स हो गया। ओके ये इसको फिल करके रख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ अगेन प्रॉब्लम है, वो क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट्स रखे हैं ये और ये, इनके बीच में स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स देखें तो यहाँ पे देखो क्या हो रखा है, यहाँ पे 347 का गैप दिया हुआ हमने, ठीक है स्पेस दिया हुआ। तो इसको हम लोग ऑटो लिख देंगे तो ये अपने आप इस तरह से सेट हुआ है। ये अगर आप देखें यहाँ पे जैसे ही मैंने ऑटो दिया, यहाँ पे अपने आप स्पेस बिटवीन हो गया है। ओके तो यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि अगर आप ऑटो डायरेक्ट लिख देते हैं तो भी हो जाएगा, अगर आपने जैसे कुछ भी पहले जो गैप था यहाँ पे वो करते हैं तो पैक्ड लिखा हुआ आ जाता है, तो अभी आप स्पेस बिटवीन करते हैं तो अपने आप यहाँ पे ऑटो आ जाता है। तो अब ये परफेक्टली आपका कार्ड रेडी है, आपका हर तरीके से ये देखिए इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है जिस तरह से ये कर रहा था। ओके राइट तो ये हमारा कार्ड जो है एडवांस कार्ड भी हो गया। अब देखिए प्रॉपरली हम लोग एग्जांपल्स में जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशंस में हमारे इस तरह से बने होते हैं। देखिए ये साइड में जो फाइनल रिजल्ट है इसमें आपने प्रैक्टिस करना है, तो ये साइड मेन्यू में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ क्या हो रहा है, देखिए क्लाइंट बोल सकता है कि आउटबॉक्स जो है उसको हम लोग नीचे लेके जाएंगे, तो जस्ट आपने क्लिक किया और उसको नीचे लेके जाओ, आपका माउस चेक किधर भी इधर उधर क्यों ना हो रहा हो, आप परफेक्टली ना लेके जा रहे हो लेकिन ये अपने आप सेट होता जाएगा। ये देखिए कहाँ रखना है आपने, एरो प्रेस करेंगे अगर आप कीबोर्ड की तो वो उसके अकॉर्डिंग सेट हो रहा है। ओके तो यही चीज़ अब हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे, तो बड़ा ही ईजी सा चीज़ है ये, आपने इन सबको अलग अलग पहले से फ्रेम्स बनाए हुए हैं। ओके तो अब मैं इन्हें सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरह से और शिफ्ट ए प्रेस कर लेता हूं, तो ये पूरा अपने आप में एक ऑटो लेआउट बन चुका है। अब मैं इसे कहीं पे भी इस तरह से मूव कर सकता हूं। चलिए तो नेक्स्ट है हमारा नेस्टेड लिस्ट, और इस लिस्ट के अंदर आपको काफी सारी चीजें दिखाई दे रही है, मतलब कि लिस्ट दिखाई दे रही है, इसमें आइकन्स और जो टेक्स्ट है उनको मैंने सेलेक्ट करके ऑटो लेआउट कर दिया है, उनके बीच में स्पेस बिटवीन द एलिमेंट्स है वो भी 16 का कर दिया है। अब मैंने क्या करना है, इनको सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ए प्रेस कर देना है, ऑटो लेआउट होते ही अपने आप सेट हो गया, इनके बीच का गैप भी सेट हो गया, और ये गैप मैं हमेशा इस तरह से यहाँ से ये देखिए कम ज़्यादा कर ही सकता हूँ। अब मुझे लगा कि ये दो जो ऑप्शंस हैं ओके इनको मैंने नेस्टेड करना है, सब आइटम्स बनाने इस वाले आइटम के, तो मैं क्या करूँगा इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा तो ये अपने आप में एक जो है एक ऑटो लेआउट बन गया। और अब मैं यहाँ जाके इसके लेफ्ट साइड में पैडिंग दे देता हूँ, 16 की पैडिंग दे देता हूँ, तो ये इस साइड में आ गया, और ज़्यादा देनी है 30 की पैडिंग, ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारी नेस्टेड लिस्ट भी बन जाती है। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको क्विकली मैं एग्जांपल्स दिखा देता हूँ कुछ टेबल्स के, टेबल्स में भी आप काम कर सकते हैं। ये मैंने एग्जांपल बना के रखा हुआ है, अगर मैं पहली रो को सेलेक्ट करता हूँ नीचे लेके जाता हूँ तो ये देखिए प्रॉपरली नीचे जा रही है, इसके लिए मैं थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर दूंगा तो आपको पता रहेगा। तो इस तरह से किया, अभी हम लोग देखेंगे कि मैंने ऊपर वाली रो को सेलेक्ट किया और नीचे लेके जा रहा हूँ तो वो अपने आप इसके अकॉर्डिंग सेट हो रही है, ये देखिए ऊपर नीचे जा रही है प्रॉपरली। और अगर मैं इसे रिसाइज करना चाहूँ तो ये रिसाइज भी हो रहा है टेबल,
प्रॉपरली रिसाइज हो रहा है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एक और यहाँ पे कॉलम डालना है मैंने, तो कंट्रोल डी करता जाऊँगा तो ये अपने आप कॉलम सेट होता जाएगा प्रॉपर स्पेसेस के साथ में। अगर मैं चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम रखना ही नहीं है तो मैं डिलीट करूँगा तो अपने आप स्पेस सेट हो गया। ये देखिए प्रॉपरली स्पेस सेट हो रहा है। ओके, अगर आप इसको पहले को कॉम्पोनेंट बना लेते हैं तो एक में चेंज करेंगे तो सब में होता रहेगा, वो भी चीज़ें हैं, लेकिन हमने जो टेबल्स है उसमें कुछ इस तरह से नहीं लेना होता। ओके, तो हम कैसे बनाएंगे इसे? तो सबसे पहले जो हमने इसी वीडियो के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि बटन को पीछे की शेप हमने दी थी, राइट? तो इसी तरह से हम लोग भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इन दोनों को ऑटो लेआउट में बनाया, फिर इसे हमने इसके साथ सेलेक्ट किया, इसे ऑटो लेआउट कर दिया शिफ्ट ए के साथ, इन तीनों को एक साथ सेलेक्ट किया और इसे ऑटो लेआउट कर दिया, इसे सेंट्रलाइज भी करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, और ये है और ये है। ओके, तो अब इन तीनों को अपने आप में ऑटो लेआउट करूंगा। इन तीनों को क्यों किया, सबको एक साथ क्यों नहीं किया, इसे भी क्यों नहीं किया, क्योंकि इन तीनों को हमने सेट रखना है कि भाई तूने हमेशा, इन तीनों ने हमेशा राइट साइड में ही अलाइन होना है, ताकि कुछ भी अगर हम लोग इसमें डालते हैं, जैसे कि आपको मैंने करके दिखाया था, ये देखिए, तो अपने आप ये इसी साइड में सेट हो, ये बाहर इस साइड ना जाए। ओके, तो हमने ये सब कर लिया। ओके, अब मैं इसे और इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं शिफ्ट ए प्रेस कर रहा हूं तो ये ओवरऑल एक आर्टबोर्ड बन चुका है। इसको मैं सेंट्रलाइज असाइन कर दूंगा कि सेंटर में रहना है, और आर्ट बोर्ड को मैं अपना एक कलर दे देता हूँ। तो कलर जो है वो दे दिया मैंने वाइट, तो इसकी जगह हम लोग थोड़ा सा ब्लैक दे देते हैं जो हमारी थीम के अंदर है ऑलरेडी, तो ये दे दिया। अभी अभी अजीब सी लग रही है, देखिए रो, इसको मैंने यहाँ से फिर कस्टम पैडिंग देनी है, या चारों तरफ मैं पैडिंग दे देता हूँ 16 की, तो ये 16 की पैडिंग आ गई अपने आप, परफेक्ट। ओके, और अगर राउंडनेस देनी है तो यहाँ से मैं थोड़ी सी इसको राउंडनेस दे देता हूँ, ये देखिए थोड़ा राउंड भी हो गया, 6 का है और 8 का राउंडनेस दे देता हूँ। चलिए ये हो गया। अब क्या है, अभी मैं इसको इस तरह से करके देखता हूँ तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है, हम लोग यहाँ चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या किया हुआ है। इसे हग कंटेंट बोला हुआ है, और ये हमारा जो है राइट साइड में है। इसे अगर सेलेक्ट करते हैं तो ये भी हग कंटेंट है, और ये हमारा राइट साइड में है। ओके, लेफ्ट में है, तो इसे हमने कि क्या करना है, लेफ्ट साइड में सेंटर में करना है, और इसे हम लोग सेंटर में राइट साइड में करेंगे। तो इतना करने से तो नहीं होगा, ऑफ कोर्स नहीं होगा। ये देखिए, तो अब क्या, अभी हम देखेंगे कि इस पूरे कंटेनर जो है हमारा बाहर का जो ऑटो लेआउट है, इसे क्या किया हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो 16 चारों तरफ गैप है, इट्स ओके, और यहाँ से स्पेस बिटवीन सेट किया हुआ है, या आप डायरेक्ट ऑटो लेआउट कर देंगे। ओके, तो अब हम भी इसे ऐसा ही कुछ करने वाले हैं, तो यहाँ जाएंगे, यहाँ पे पैक्ड जो लिखा हुआ है उसे स्पेस बिटवीन कर देंगे, राइट। तो अब और क्या चीज़ें थी, लेफ्ट और हग कंटेंट, यहाँ जाएंगे, लेफ्ट और हग कंटेंट ऑलरेडी। अब हम लोग इसे करके देखेंगे तो ये परफेक्टली हमारा इस तरह से सेट हो चुका है। और अगर हम लोग इसमें कुछ भी एक सेक्शन को बढ़ाते हैं, मतलब एक रो कॉलम को बढ़ाते हैं, तो इस तरह से ये बिहेव भी कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से हम लोग इसे भी बनाते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, देखिए हम लोग किस तरह से इस तरह के जो लॉगिन साइनअप के फॉर्म्स हैं या कुछ भी फॉर्म्स हैं उनको भी बना सकते हैं। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स कार्ड्स हैं जैसे कि ये वाले हैं, तो इसमें भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें क्या किया हुआ है, देखिए इसमें हम जाते हैं अगर यहाँ अंदर तक, तो हमें यहाँ पर ये देखिए स्पेस बिटवीन मिल रहा है, पूरा लेफ्ट टू राइट अपने आप सेट कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, स्पेस बिटवीन के अंदर अगर दो या दो से ज़्यादा कोई भी चीज़ें हैं, अगर दो ही हैं तो एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल राइट में चली जाएगी, एक बिल्कुल लेफ्ट में आ जाएगी। अगर इसके अंदर हम लोग कोई एक बढ़ा देते हैं, जैसे कंट्रोल डी किया तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, तो ये मतलब इक्वल स्पेस कर देता है ऑब्जेक्ट्स के बीच में। तो इस तरह से हम लोग कितने भी कम ज़्यादा इसमें कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप देखो तो इसमें भी कुछ ऐसा ही हमने किया हुआ, ये कभी भी कम ज़्यादा करना पड़ सकता है, तो हमने इसको ऑटो लेआउट में करके छोड़ दिया। तो अब देखिए, अगर इसे ऑटो लेआउट में नहीं किया होता और क्लाइंट कहता है कि मुझे यहाँ पे बीच में एक 15 जो पाउंड का है वो भी चाहिए, 15 भी चाहिए मुझे, तो फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे। अभी तो हम लोग ईजिली यहाँ पे जस्ट कर दिया, अदरवाइज क्या करना पड़ता, हम लोगों को ऐसा ही एक बॉक्स यहाँ लेके जाते लास्ट में, और फिर उस बॉक्स के अंदर वैल्यू चेंज करते नेक्स्ट में करना पड़ता, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती यहाँ पे करने वाली, राइट। तो अभी एक चीज़, ये तो जो मैंने बनाई है मेरा प्रोजेक्ट का जो भी चीज़ें थी, ये मेरे खुद के प्रोजेक्ट की एक पार्ट थे, वो आपको दिखाया मैंने एक लाइव प्रोजेक्ट में कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ। इसके अलावा अभी आपको मैं एक
बहुत ही अच्छी एक इसी तरह की एक्सरसाइज किट जो मेरी नहीं है, मैंने नेट से देखी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। उसमें पूरी इंस्ट्रक्शंस दी है, तो देखिए वो किस तरह से काम करती है। तो अभी ओपन हो रही है यूआई प्रेप वालों की ऑटो लेआउट प्लेग्राउंड। ओके, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। ये बिल्कुल फ्री इनकी किट है और इसी को यूज करते हुए आप लोग बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा प्रॉपरली बताया है स्टेप वन क्या करना है आपने, स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप थ्री में क्या करना है, क्या वैल्यूज डालनी है, और इसी तरह से ये बना के दे दिया। और नीचे यहाँ पे वर्क स्पेस एरिया है, तो यहाँ आप देख रहे हैं राइट। तो यहाँ ये भी एक्सरसाइज है, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। ये वाली फाइल का लिंक भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। और अगर ये जितने भी लिंक्स वगैरह मैं बोलता हूँ, अगर इनको डाउनलोड करना है, ये लिंक्स लेने हैं आपने, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं, एक मेरा एक लिंक बना हुआ है ग्राफिक्स गुरुजी नोशन साइट का है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि यूआई डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट लिंक्स, जो भी आपको जरूरत पड़ती है सर्च करने की चीज़ें, वो सारी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। इस लिंक पे आप डाउनलोड कर सकते हैं जा जाके। तो यहाँ यहीं आपको वो लिंक भी मिलेगा जो जो अभी आपको मैंने दिखाया, जो एक्सरसाइज जो हैं राइट, दोनों तरह की एक्सरसाइज जो फिग्मा फाइल्स है वो डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक मिलेगा। यहीं पे लिंक ऐड कर दूंगा मैं। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक्स है अदर डिजाइनिंग हेल्प फाइल्स, तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। ओके, और इसके अलावा आपने मोबाइल एप्लीकेशन जो है ग्राफिक्स गुरुजी की, वो डेफिनेटली डाउनलोड करनी है, क्योंकि वहाँ पे लाइव सेशंस भी होते हैं। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं 22 अगस्त, अभी मैं वीडियो जो हमारी आई है ये 17 अगस्त को आई है, और नेक्स्ट संडे को जो है हमारा Q&A सेशन होने वाला है यूएक्स डिजाइनिंग की लाइव क्लास का। तो इस तरह से हम लोग लाइव क्लासेस भी लेते रहते हैं, उसकी भी आपको अपडेट मिलती रहेगी। तो ये वाला जो लिंक है, ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। इसको ओपन करें, इसको बुकमार्क कर लें हमेशा के लिए, और यहाँ पे आपको बहुत सारी नई नई चीजें भी आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी, डायरेक्ट क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपने कंप्लीट कर लिया है ऑटो लेआउट का, बधाई हो और कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये फीचर जब आपने देख लिया है, आपने देखा होगा काफी मैजिक हुआ है आज की इस वीडियो में। तो जिन लोगों ने स्किप करके देखा और यहां तक पहुंच गए, वो फिर से वीडियो देख लीजिए, 2 या 3 बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको ये फीचर जो है वो डेफिनेटली कंप्लीट करना ही होगा। इसमें आपने महारत हासिल करनी ही होगी, क्योंकि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज इस कोर्स में चल रही है, ये फिग्मा का कोर्स है। आप इन वीडियोज के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो नीचे कमेंट करके उनके रिप्लाई करते रहें, सपोर्ट करते रहें इस चैनल को। बेस्ट सपोर्टर्स और रिप्लाई करने वालों को यहां पे फ्री ऑनलाइन कोर्स का ये जो सर्टिफिकेट है वो भी मिलने वाला है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपने, और पास में आ रहे बेल के सिंबल पे भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना है। लाइक तो करना ही करना है वीडियो, क्योंकि आज बहुत ज्यादा मैजिक हुआ था इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, इसी तरह के और मजेदार टॉपिक्स मैं लेके आता रहूंगा आगे भी। इंतजार करते रहिए, हर हफ्ते मैं आपके लिए इस कोर्स की एक एक वीडियो लेके आ रहा हूं। थैंक यू।